श्रोताओं, आज की पहेली लिए हमने श्रीमान रुद्र प्रताप सिंह जी की। इनकी पहेली इस प्रकार है, एक पंख का पक्षी कौन है और ऐसा कौन सा देवता है जो एक पंख के पक्षी की सवारी करता है। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त हो सकता है। तो आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान रुद्र प्रताप सिंह जी के कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पंख का पक्षी कौन है और दूसरा क्वेश्चन है इनका, ऐसा देवता कौन है जो एक पंख के पक्षी की सवारी करता है। श्रोताओं, वैसे तो ये प्रश्न कीरत सिंह जी का है जो एक गायक कलाकार हैं। हमने इस प्रश्न की खूब खोज की तब जाके हमें इसका उत्तर मिला है। इसको अब तक हमसे कई श्रोता पूछ चुके हैं, तो श्रोताओं आप सभी ध्यान से सुनिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो श्रोताओं, यहाँ श्रीमान रुद्र प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कि एक पंख का पक्षी कौन है और ऐसा देवता कौन है जो एक पंख के पक्षी की सवारी करता है। तो श्रोताओं, हमने एक पंख के पक्षी की बहुत अधिक तलाश की और तलाश करने पर ही हमें एक पंख का पक्षी मुश्किल से मिला और वो देवता भी मिल गया जो एक पंख के पक्षी की सवारी करता है। तो श्रोताओं, एक पंख का पक्षी कोई नहीं है बल्कि एक लोकोक्ति या महावरा है, एक पंख का पक्षी। लेकिन अब ये एक पंख का पक्षी वाली जो लोकोक्ति है ये हम किस पर लागू कर सकते हैं? तो श्रोताओं, इसका अर्थ होता है एक ही प्रकार के पक्षी या एक झुंड के पक्षी या कोई विशिष्ट पहचान वाले पक्षी, यहाँ तक है कि लोगों को भी एक पंख का पक्षी कहा जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि हमने बहुत अधिक नेट को सर्च किया, पुराणों को देखा, तो हमें निष्कर्ष तय यही मिला कि एक पंख का पक्षी हम उस एक समूह को कह सकते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो फिर श्रोताओं, पक्षियों में ऐसा कौन है, कौन सा पक्षी है जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है? अब हमने पक्षियों को खोजना शुरू किया कि ऐसे पक्षी कौन हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब हमने खोज की तो उस दौरान हमें कई लेखों से यह मिला कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो बिना जोड़े के नहीं रह सकता। यदि ऐसा बताते हैं कि हंस हंसनी में से एक अगर मर जाता है तो फिर दूसरा आत्महत्या कर लेता है, दूसरा अकेला जीना ही नहीं चाहता और हंस कभी एक हंसनी के अलावा दूसरी हंसनी को पसंद नहीं करता, वह जीवन भर एक ही हंसनी के साथ रहता है। तो श्रोताओं, हम एक पंख का पक्षी हंस को कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो जोड़े के बिना नहीं रह सकता। और हमने आपको पहले बताई दिया है कि एक पंख का पक्षी हम किसे संबोधित करेंगे, जो कि एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के बिना
नहीं रह सकता है और उस कैटेगरी में हंस और हंसनी ही आते हैं और वह पक्षी हंस है। तो श्रोताओं, एक पंख का पक्षी हंस को कहा जा सकता है क्योंकि हंस कभी हंसनी के बिना अकेला नहीं रहता है और वह जीवन भर एक ही हंसनी के साथ रहता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि मैंने कई लेखों में पढ़ा है। चाहो तो मैं वो लेख भी आपके लिए डाल सकता हूँ। तो श्रोताओं, उसके पश्चात हम श्रीमान जी के दूसरे प्रश्न पर पहुंचे। ऐसा कौन सा देवता है जो एक पंख के पक्षी की सवारी करता है? तो श्रीमान रुद्र प्रताप सिंह जी, आप यहाँ कीरत सिंह जी की इस पहेली को लेकर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी हैं हंस की सवारी करते हैं, माता सरस्वती हैं हंस की सवारी करती हैं, ये दोनों हंस की सवारी करते हैं, इसलिए एक पंख के पक्षी पर कौन सा देवता सवारी करता है? ब्रह्मा जी। अगर आप सोचते हो कि ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं और हमें तो देवता चाहिए, तो हमने देवताओं को टटोला कि हंस की सवारी कौन सा देवता करता है, तो हमें कोई नहीं मिला। केवल एक जगह वरुण देव जी का वर्णन आया है कि वरुण देव जी के रथ में 7 हंस जुड़े हुए हैं, तो 7 हंस उनकी सवारी को खींचते हैं। तो श्रीमान जी, हम देवता के रूप में लगाएं तो वरुण जी को कह सकते हैं, हालांकि वरुण जी का वाहन तो मगरमच्छ माना गया है, घड़ियाल माना गया है, लेकिन रथ के हिसाब से माने तो उनके रथ को 7 हंस खींचते हैं, इसलिए देवता के रूप में हम वरुण जी को भी मान सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी तो हंस की सवारी करते ही करते हैं। तो श्रीमान जी, अब हमने आपके इस प्रश्न का जवाब दे दिया है और एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि कीरत सिंह जी एक बहुत ही विद्वान गायक कलाकार हैं, तो उन्होंने एक पंख का पक्षी बोला है और एक पंख का पक्षी कोई होता नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत ही तरकीब से काम लिया है, जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, इसलिए एक पंख का पक्षी उस समूह को संबोधित किया गया है जिनकी विशिष्ट पहचान हो या कोई अलग ही पहचान हो, तो उस समूह को एक पंख का पक्षी कहा जा सकता है। और ये विशिष्टताएं हमें केवल हंस और हंसनी में मिली जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए एक पंख का पक्षी हंस है और उसकी सवारी ब्रह्मा जी करते हैं और उसकी सवारी माता सरस्वती करती है और उसकी सवारी वरुण देव जी करते हैं। और हाँ, चाहो तो आप हमारे इस प्रश्न को कीरत सिंह जी तक भी पहुंचा सकते हो क्योंकि उन्होंने 21,000 रुपए इनाम पर रख रखे हैं, और अगर कोई हमारे प्रश्न को गलत करता है तो हम उसे 11,000 रुपए इनाम में देंगे। एक पंख का पक्षी हम यहाँ हंस को साबित कर रहे हैं और देवता हम 3 बता रहे हैं आपको। उन्होंने एक ही कहा था हम, लेकिन हम 3 बता रहे हैं, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती और वरुण देव। तो श्रोताओं, अब हमने श्रीमान रुद्र प्रताप जी के इस कमेंट का जवाब भी दे दिया है और इसके अलावा अन्य कई श्रोताओं ने भी हमें ये प्रश्न पूछा था, तो उनके प्रश्न का भी जवाब लग चुका है। और चाहो तो आप इस प्रश्न को कीरत सिंह जी तक भी पहुंचा सकते हो। और अब हम लेते हैं आपसे विदा।
बोलो जय श्री राम।